हाय गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है और मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे व्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी और उसकी प्रिपरेशन चालू हो गई है। यहाँ पे हम डेकोरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये राइस हम लोग ने कलर कर लिए है अपने घर में ही, और ये झूला भी हमने तैयार कर लिया है। और ना हम लोग क्या जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो हम लोग सारा प्रिपरेशन खुद ही करते हैं अपने हाथों से, एंड बहुत मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में। यहाँ पे हम लोग ना पर्वत बना रहे हैं, तो अपना दिमाग लगा के क्रिएटिव करके हमने अच्छा सा पर्वत बनाया है, एंड ये झरना बनाया है। यहाँ पे हमने मिनी मिनी से ना गमले भी बनाए, और ये सारे गमले हमने खुद कलर भी किए हैं छोटे छोटे से, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद हम चारों भाई बहन बैठ गए कलर करने के लिए, दिया को एंड काफ़ी सारी चीज़ों को। ये सब करने में हमें बहुत मज़ा आता है। आप लोग जन्माष्टमी किस तरह मनाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कुआ ना हमने किया था कलर, बट अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में हमने इसको ब्राउन कलर कर दिया था, क्योंकि वो ग्रे अच्छा लग रहा था, ये मॉडर्न ज़माने का है। यहाँ पे हमने दिए भी कलर कर दिए। उसके बाद हम चले गए थे सब मार्केट, बहन शॉपिंग में लग गए थे, और मार्केट में इतनी ज़्यादा आज भीड़ थी कि क्या बताऊँ। बारिश भी हो रही थी, ऑफकोर्स जन्माष्टमी में हर साल बारिश ज़रूर होती है। वहां पे कान्हा जी के इतने सारे सामान देख के ना एकदम वो हो गया कि क्या ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन हम लोग 1 घंटा पूरा लगा के फाइनली उनका सामान ले लिए, पूरा कपड़े ज्वेलरी एंड जो जो भी उनको चढ़ता, काफी सुंदर सुंदर थे यार, क्यूट क्यूट। घर आके देखा तो मम्मी ये चूड़ा बना रही थी कान्हा जी के लिए, और ये सात्विक पूरा बनता बिना लहसुन प्याज के, तो ये नमकीन बना रही थी। और लास्ट में ना एक ट्रेजिडी भी हो गई, मैं आपको बताऊंगी जरूर लास्ट की वीडियो में। एंड उसके बाद मैं नहा वहा ली शाम को, एंड पूरा भोग बना रही थी। आज हम लोग का फास्ट भी था, तो मैं यहाँ पे फास्ट का खाना भी बना रही थी और कान्हे जी के भोग भी। तो मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा, नारियल का लड्डू, खीर एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। एंड ये रहा हमारा डेकोरेशन, पूरा बहुत सुंदर वैसे लग रहा था। अभी ये फैला हुआ है क्योंकि सारे सामान यहाँ पे रखे, भोग भी लग जाएंगे, बट सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद 12 बज गए, उसके बाद हम लोगों ने कान्हा जी का स्नान कराया। और आप यहाँ पे एक गलती हो गई थी, मेरा भाई जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो इतना तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसने कैमरा मतलब फ़ोन तो हाथ में लिया था बट उसने कैमरा ऑन नहीं किया था। ये बात हम लोग को बाद में पता चली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी तो मैं देखी कि अरे इसमें और सारे क्लिप तो है नहीं, तो भी वो बताता है कि हाँ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। इतनी गुस्सा आ रही थी ना, बट कोई ना, जितनी वीडियो आई मैं उतना आपको एडिट करके सब दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने कान्हा जी को वस्त्र धारण कराया। सब कहते हैं कि आज के दिन ना पीला वस्त्र पहनाना चाहिए, अच्छा होता है। तो वस्त्र पहनाया, छोटी छोटी सी पायल कंगन सब पहनाया, और सबसे अच्छा ना मुझे ये कान्हा जी का हार लग रहा था, बहुत ही क्यूट सा एंड बहुत ही सुंदर था। अभी ये आपको दिखेगा, और मैंने शायद ये कपड़े गलत पहना दिए थे, ये पीछे के साइड से पहनाते हैं बट समझ में नहीं आया। और ये इतनी छोटा सा हार था ना, इतना सुंदर था, ये जब मैंने देखा था ना मार्केट में तो मुझे पहली नज़र में हाँ मुझे ये चाहिए चाहिए। एंड पूरा हम लोगों ने आरती वारती की, पूजा वूजा किया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कान्हा जी को झूला झूला रहे। और पता है गलती क्या हुई थी, हम लोग ने भोग तो पूरा चढ़ा दिया था, बट जो हम लोग चूड़ा बनाए थे स्पेशली आज कान्हा जी के लिए चूड़ा बनाया गया था, वो चढ़ाना भूल गए थे हम लोग। एकदम बाद में लास्ट में था ना कि अरे चूड़ा तो हम लोग ने चढ़ाया ही नहीं। और ये रहा फुल डेकोरेशन, देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा सामने से। रात को फिर 12 बजे मैंने अपना फास्ट थोड़ा खाया पिया। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। बाय बाय, राधे राधे।